इम्पोर्टेंट केस है काफी, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक। आप चेक भी डिस्काउंट करा सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज भी डिस्काउंट करा सकते हैं। आपके पास एक बिल पड़ा हुआ था, बिल रिसीवेबल, आपने किसी को सामान बेचा, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल। ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीज 50,000 ऑन 1st July 2020। ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीज 50,000 ऑन 1st July 2020। बी एक्सेप्टेड अ बिल एंड रिटर्न इट टू ए। बी ने बिल एक्सेप्ट किया और ए को दे दिया वापस। बी एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 months एंड रिटर्न इट टू ए। ए वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, सो ही गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। ही वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, सो ही गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एट 5%। पर एनम नहीं बोल रहा तो फ्लैट रेट है, मतलब 5% बैंक के कमीशन है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। पहले तो मीनिंग ऑफ डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है। डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल इज डन इन केस ऑफ अर्जेंट नीड ऑफ फंड्स। We get the bill discounted with the bank. Bank charges certain commission and gives us the balance money immediately. Bank क्या करता है, कुछ कमीशन चार्ज करता है और बैलेंस मनी हमें इमीडिएटली दे देता है। आफ्टर दिस द बिल रिसीवेबल बिलोंग्स टू द बैंक। अब वो बिल हो गया बैंक का। एट द मैच्योरिटी ऑफ द बिल बैंक will collect money from the person who had originally accepted the bill. B in this case, जब bill mature होगा तो bank क्या करेगा, bank किसके पास चला जाएगा, B के पास चला जाएगा। bank किसके पास चला जाएगा, बी के पास, कि भैया पैसे दो, मैं ए हूं आप बी हो, मैंने आपको सामान बेचा 50,000 रुपये का, आपने बोला भैया पैसे तो नहीं है, मैं बिल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बना के आपको भेजा, आपने उसको साइन कर दिया, वो डॉक्यूमेंट मेरे लिए, मैंने पैसे लेने हैं। जिसने पैसे लेने हैं उसके लिए होता है बिल रिसीवेबल, जिसने पैसे देने हैं उसके लिए होता है बिल्स पेएबल, ठीक है। अब मेरे पास बिल पड़ा हुआ था और वो 3 months का बिल है, 3 महीने में वेट करूंगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे इमीडिएटली पैसे चाहिए, तो मैं गया बैंक के पास, मैंने बोला कि ये बिल है, मेरे को 3 महीने बाद 50,000 रुपये मिलने वाले हैं, मुझे इमीडिएटली पैसों की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम कुछ कमीशन काटेंगे और आपको पैसे इमीडिएटली दे देंगे। तो जो उन्होंने कमीशन काटी उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। वो अपने कमीशन काटेंगे 5%, इस केस में 2,500 आ जाएगा, फ्लैट रेट है, अगर पर एनम नहीं है तो फ्लैट रेट कैलकुलेट करते हैं। 2,500 उन्होंने कमीशन काटी, 47,500 हमें मिल जाएंगे। अब उसके बाद बिल हो गया बैंक का,
जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो बैंक अपने आप बी को अप्रोच करेगा और उससे पैसे ले लेगा, उससे अब ए का कोई लेना देना नहीं है अगर बिल ऑनर हो जाएगा। आगे की कहानी आपके स्कोप के बाहर है। अब इसको अगर मैं जर्नल में दिखा रहा होता, ध्यान से देखना, जर्नल में दिखा रहा होता तो कैसे दिखाता? जब सामान बेचा, किसकी बुक्स बना रहे हैं, बुक्स ऑफ ए, तो बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितने का सामान बेचा, 50,000 रुपये का, ठीक है। फिर 50,000 का बिल आ गया हमारे पास, किसके पास, ए के पास। ए के लिए क्या है वो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू, किससे आया बिल, 50,000। अब जब बिल डिस्काउंट करेंगे तब क्या एंट्री है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो है डिस्काउंटिंग की जर्नल एंट्री, डिस्काउंटिंग की जर्नल एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक में कितने पैसे आए कट के, बिल कितने का था, 50,000 का, तो बिल रिसीवेबल में दिखा दो 50,000। कमीशन कितनी काटी, 5%, 2,500, तो आपके पास बैंक में कितने पैसे आए होंगे, 47,500, इतने पैसे आए होंगे। अब ये है जर्नल एंट्री, क्या है ये, जर्नल एंट्री। अगर आप कैश बुक बना रहे होते तो आपको कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, बैंक से। बैंक में कितने पैसे आए, 47,500। इफ द सेम क्वेश्चन कम्स, इफ द सेम ट्रांजैक्शन इज टू बी शोन इन अ कैश बुक, इफ द सेम ट्रांजैक्शन इज टू बी शोन इन अ कैश बुक तो कैसे दिखाएंगे, इट विल अपेयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, इट विल अपेयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। तो डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा, टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक के कॉलम में पैसे आ जाएंगे 47,500। बस एक आइडिया दे रहा हूँ प्रेजेंटेशन का, कि अगर कैश बुक बना रहे हैं तो बस डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा, टू बिल्स रिसीवेबल 47,500। क्या केस था ये, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। पूरी डिटेल में करा दिया, आई होप समझ आया हो।